हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं आपके लिए एक ग्लेस वनीला कपकेक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सभी को बहुत पसंद होता है, स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी की सीध में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए एक ग्लेस वनीला मफिन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बोल में 1 कप गुनगुना दूध लिया है, 1/4 कप बटर डालेंगे, यह सॉल्टेड बटर है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मिल्क और बटर एक जैसे फॉर्म में हो जाए। इन्हें बनाते समय आप मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान रखें, हमेशा मेजरिंग कप और स्पून्स का ही यूज़ करें, तभी आपके परफेक्ट मफिन्स बन पाएंगे। ये देखिए दूध और बटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टीस्पून वाइट विनेगर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हो गए हैं और देखिए ये अच्छी तरह से कर्डल हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस बोल पे हम एक छलनी रखेंगे और उसमें 2 कप मैदा डालेंगे। फोर्थ कप मिल्क पाउडर डालेंगे, 3/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे। जैसा कि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है वह ऑलरेडी स्वीट होता है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पर छानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारा एकदम स्मूथ पेस्ट बनेगा। ये देखिए हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसे हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्पैचुला की हेल्प से बैटर को एक बार कट एंड फोल्ड की मेथड से मिक्स करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का ये बैटर हमारा होना चाहिए। अब हम बैटर को मफिन्स के मोल्ड में डालेंगे। यहाँ मैंने मोल्ड्स पर कुछ इस तरह के पेपर कप्स मार्केट में मिलते हैं वो लगाए हैं। उसी में यह मफिन्स बनते हैं। एक एक करके हम स्पून की हेल्प से इसे फील करेंगे। ये देखिए हमने सारे मफिन्स बनाने के लिए फील कर लिए हैं। यहाँ हमने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने रखा था। अब इसे हम ओवन में रखेंगे। और 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और देखिए हमारे मफिन्स कितने फ्लफी बने हैं। यहाँ मेरा मोल्ड थोड़ा ओवल शेप का था, इसीलिए मेरे मफिन्स एकदम ओवल शेप के बने हैं। जैसा आपका मोल्ड होगा कुछ उसी तरह के आपके मफिन्स बनेंगे। और हमारे सारे वनीला मफिन्स बनकर तैयार हैं। देखिए इनका कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और यह कितने स्पंजी बने हैं। देखिए मैं आपको एक मफिन निकाल कर दिखाती हूँ। वाओ, हमारे वनीला मफिन्स एकदम परफेक्ट बने हैं और हमारे सारे वनीला मफिन्स बनकर तैयार हैं। मैंने डिस्पोजेबल बाउल में कढ़ाई में केक बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, उसी तरह आप इसे बना सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।